बहुजन समाज कैसे एकजुट हो रहा है, और खासकर पटेल जाट समुदाय के लोग, पटेल समुदाय के लोग और गुर्जर समुदाय के लोग और बहुजन आंदोलन से जुड़ेंगे तो आंदोलन बहुत मजबूत होता है। मेरे साथ रविंद्र भाटी हैं जो भीम आर्मी के युवा नेता हैं और लगातार चंद्रशेखर रावण के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, उनके साथ आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आज रविदास मंदिर को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है कि 15 सितंबर को एक प्रोटेस्ट होगा तुलकाबाद में, उसमें रविंद्र भाटी भी शामिल थे। भाटी जी, क्या पूरा प्रोग्राम है आप लोगों का? आज मुस्लिम समाज ने, पूरे देश के मुस्लिम समाज ने, चाहे लखनऊ की शाही इमाम हो, चाहे नकवी साहब हो, चाहे रिजवी साहब हो, सब ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद और जो 96 लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए और रविदास मंदिर को वहीं बनाया जाए इसके लिए उन्होंने समर्थन दिया है। और आने वाली 15 तारीख को पैदल मार्च का निर्णय लिया है कि वो रविदास मंदिर तक जाएंगे और अपना पूरा समर्थन, पूरे मुस्लिम समाज का समर्थन भीम आर्मी के साथ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने देने की घोषणा की। गुर्जर समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है? ऑलरेडी मैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूपी का, और पिछले कई एक डेढ़ दो सालों से हमने बहुजन समाज बनाने के लिए, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे ओबीसी समाज में जितनी जाति आती हैं, सब लोग, आप लोग खुद यूपी में ओबीसी में हैं? जी जी जी, केंद्रीय सूची में भी ओबीसी में हैं? जी जी जी। तो मध्य प्रदेश, यूपी और ये पूरा गुर्जर समाज, अगर राजस्थान, ये बड़ी संख्या है इनकी, कैसे इनको जोड़ेंगे बहुजन आंदोलन से और खासकर ओबीसी को लेकर? ये सब तो कर्मकांड में, फोल्ड में फंसे हुए हैं भाटी साहब। देखिए, इनके हाथ में कोई अंगूठी उंगठी नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई का ये असर होता है साहब कि ये अधिकारों के लिए सचेत हो जाता है। सर, छोटू राम बड़े नेता थे। हमारे देश की बड़ी अजब स्थिति आज की डेट में हो रही है, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आज बहुत सारी जातियां संघर्ष कर रही हैं आंदोलन आरक्षण के लिए। राजस्थान में आपने देखा हो, 72 लोगों कुर्बानी, वसुंधरा राजे की सरकार में 72 लोगों को गुर्जरों की कुर्बानी हुई, 72 लोगों को गोली से उड़ाया गया। यूपी में आपको ओबीसी आरक्षण जबकि मिला हुआ है। जी जी जी, जो आंदोलन में मांग कर रहे थे आरक्षण की, और दूसरी तरफ पूरे देश में 15% जो लोग हैं उनके लिए 2 दिन के अंदर बिना किसी डिमांड के, बिना किसी प्रोटेस्ट के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये दोहरा मापदंड गरीबों के खिलाफ है सरकार, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें दलित के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए कोई स्थान नहीं है। नहीं तो गुर्जर समाज को कैसे समझाएंगे? ओबीसी में आप, ओबीसी यूपी में ओबीसी में है, राजस्थान में आप लोग आंदोलन किए, आपके लोग शहीद हुए फिर भी आंदोलन नहीं मिला, लेकिन गुर्जर समाज के लोग क्या धीरे धीरे अपने राजनीतिक और सामाजिक हक को समझने लगे हैं? यदि बात की जाए अलग अलग स्टेटों की, तो कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ गुर्जर समाज की स्थिति एससी से भी बदतर है। चाहे हिमाचल प्रदेश में वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, आपके मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बहुत सारे जिले ऐसे हैं, अब वो खाना बदोश का जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भी मनुवादी गुर्जर समाज का बहुत इस्तेमाल करते हैं सर, वो लड़ाई मुसलमानों से हमला करवाना हो गुर्जर आगे, जब जब दलितों पर हमला हो गुर्जर आगे, जब भी इनको चुनाव नज़दीक आते हैं और इनको राजनीतिक माइलेज लेना हो तो गुर्जर को हिंदू बना देते हैं, दलित को हिंदू बना देते हैं और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा देते हैं। और जब इनके अधिकारों की बात हो जाती है, जब वो दलित हो जाता है, जब वो गुर्जर हो जाता है। भाटी साहब, आप लगातार कह रहे हैं कि आप गुर्जर महासभा के यूपी के अध्यक्ष भी हैं, क्या रोड मैप है आपको बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए? आते चूँकि हालत बहुत ख़राब हो रही है, पिछले एक साल में हमने बहुत ही गुर्जर समाज के बहुत जिम्मेदार साथियों को भीम आर्मी से जोड़ा है और बहुजन समाज बनाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं जो इस देश की खूबसूरती है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, और इस देश में मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपना अपना धर्म मनाने की आज़ादी है। लेकिन आप तो टारगेट पर आ गए होंगे मनुवादियों के, आप कैसे निपटेंगे? कोई दिक्कत नहीं है टारगेट पर, यदि हमें लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करना है, तो उसके लिए टारगेट पाएँ, जेल जाएँ, क्योंकि हम 4-4 बार आंदोलन में जेल जा चुके हैं, इसमें हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें चंद्रशेखर रावण से कितनी उम्मीदें दिखती है आप लोगों को? चंद्रशेखर आज़ाद आज बहुजनों की आवाज़ है। आज पूरे देश में कहीं पर कोई घटना हो जाती है, वो ये नहीं देखते कि ये दलित की लड़की के साथ रेप हुआ है या मुस्लिम की लड़की के साथ हुआ है। जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है और पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, सरकार ठीक से नहीं कर रही, वो बिना दिन रात रेस्ट किए हुए पूरे देश में कहीं भी, मैं भी सैकड़ों जगह उनके साथ गया हूँ, तो उनके इस कार्य करने की, 24 घंटे करने की, उसको देखकर ये विश्वास हुआ कि ये वास्तव में बहुजनों की आवाज़ बन सकते हैं। और ये जब आज विधानसभा में और लोकसभा में जो बहुजन समाज के पुराने नेता थे, जब उन्होंने अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया, इस वजह से चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे देश में सड़क पर रहकर जो संघर्ष किया है, उसी ने हम लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया और जोड़ा है कि ये वास्तव में ही इस देश में ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे नेताओं की जरूरत है। जैसे ऐसे बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, वो पढ़ते लिखते जाएंगे, समाज मजबूत हो जाएगा। इसीलिए
आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और ऐसे युवा नेताओं से उम्मीद है कि वो जागरूक हैं, संवेदनशील है और अपने अधिकार के लिए वो सर को फहराने के लिए भी तैयार है। शुक्रिया रविंदर जी हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।